Assalamu alaikum. Subscribe the channel and click the bell icon to get more update. Thank you very much. Students, today we are going to discuss exercise number 7.3, mathematics 1. Dear students, इससे पहले जो भी हम discuss कर रहे थे वो permutations of n different objects के बारे में था. उसमें n different objects on the straight line की permutation हम find कर रहे थे. लेकिन इस lecture में हम पहले से थोड़ा मुख्तलिफ करने वाले हैं. इस lecture के अंदर जो हम permutation find करने जा रहे हैं वो permutations होगी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो समटाइम्स उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट भी हो रहे होते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड. यानी जो आपको ये वर्ड्स गिवन है इसके लेटर के कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जो उसमें रिपीट भी हो रहे हैं. तो इस तरह के आप अरेंजमेंट बनाने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आप पहले से थोड़ा डिफरेंट होगा. ये मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को ये चीज बताया हुआ है कि अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो उसमें से कुछ लेटर्स यानी रिपीट हो रहा हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें से रिपीट हो रहे हो, तो उनके परमिटेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. अगर आप लोगों को यह चीज डिटेल ही देखना हो तो फिर जरूर आप पीछे जाके मेरे लेक्चर्स देखा करें. लेक्चर नंबर 1 है 7. चैप्टर नंबर 7 का. लेकिन फिर भी हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि इस चीज को कवर करें. सो जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. इसमें से दो ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी ए आपके पास 2 times है. तो इस तरह की परम्यूटेशंस को आप फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट यहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ये आपके पास 8 है. अच्छा, लेट n1 इज द नंबर व्हिच इज रिपीटेड. यानी n1 है तो इसको हम n1 इज इक्वल टू कौन सा है, ये दो लेटर्स यहां पे a दो दफा है तो इसको आप 2 times लिखें, बाकी सारे 1 दफा इसको आप देखने की जरूरत महसूस नहीं जो है ना. इसको लिखे भी कोई मसला नहीं है, नहीं भी लिखे तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि हम इसके फॉर्मूला कुछ इस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर 1 की कोई क्योंकि वैल्यू नहीं है, सो हम 1 को इसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं. सो कि जो टोटल फॉर्मूला होगा, टोटल परम्यूटेशंस n1 n2 n3 कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि a 2 times है तो हम n3 n4 n5 n6 है. अगेन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें से ये आपके पास तो 1 2 3 4 5 6 7 था तो हमने यहाँ पे लिखा n7. आप इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं. इसके बाद इसको n फैक्टोरियल हो गई है और यहाँ पे n1 2 times है तो 2 factorial, बाकी सारे 1 है तो 1 को नहीं भी लिखें तो कोई जो है इश्यू नहीं है. सो n फैक्टोरियल मीन्स आपके पास फ्रेंड्स जो टोटल नंबर है आपके पास 8 factorial डिवाइड बाई नीचे है 2 factorial, और 8 factorial डिवाइड बाई 2 factorial किसके करोगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास शिफ्ट, शिफ्ट के बाद फैक्टोरियल का साइन लिखें तो आपके पास फैक्टोरियल आएगा, तो 8 factorial डिवाइड बाय 2. सो आपके पास टोटल जो परम्यूटेशंस बनेगा वो बनेगी
20160, ये आपका टोटल आंसर होगा, क्योंकि n डिफरेंट यानी n टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स है। इसमें से हमने देखा कि दो वर्ड्स ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे, तो हमने लिखा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अगर दूसरा रिपीट होता हो तो रिपीट वर्ड्स भी इधर लिखना होता है। तो लिखने के बाद 20160 ऐसे परम्यूटेशन आप बना सकते हैं इन लेटर्स की, जो है ना, इन लेटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ परम्यूट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम दूसरा जो है देखते हैं, अब एसेसिनेशन है। एसेसिनेशन में क्या है, ए इज रिपीटेड, ए कितनी दफा रिपीट हुआ, 1, 1, 2, 3, तो इसको हम एन वन का नाम दें नंबर वन, यानी क्योंकि तीन दफा रिपीट हुई है, तीन दफा। फिर देन एस इज रिपीटेड, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, एन टू का नाम दें, ये 4 times रिपीट हुआ है। देन आपके पास अगेन I जो है ना 2 times, तो I इज रिपीटेड, इसको रिपीट किया गया कितना, एन थ्री इज इक्वल टू 2 times है। इसके बाद जो रिपीट किया गया है वो कौन से है, बाकी सारे जो है ना, अब n है, n इज रिपीटेड, n को भी 2 times रिपीट किया गया। अब मैंने कहा 1 को आप, हम यहाँ पे 1 को लिखने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 की इतनी जो है ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन आवर परम्यूटेशन। सो अब हम जो करने जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि टोटल जो लेटर्स कितने थे यहाँ पे, टोटल जो आपके पास लेटर्स थे, टोटल लेटर्स यानी एन आपके पास था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया। अब जो टोटल परम्यूटेशन हमारे पास क्या हो गए, टोटल परम्यूटेशन हो गए स्टूडेंट्स, टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन वन फैक्टोरियल क्रॉस एन टू फैक्टोरियल क्रॉस फैक्टोरियल आएगा, एन थ्री फैक्टोरियल तो हमारे पास, और एन फोर तक है तो क्रॉस एन फोर फैक्टोरियल होंगे। इट मीन्स 13 फैक्टोरियल के साथ बाकी सारे आपके पास 3 × 4 × 2 × 2 आएगा। आप इसको अगेन आप कैलकुलेटर से, इधर से आगे कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास आएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आपके पास है बाकी 3 फैक्टोरियल, मैंने यहाँ फैक्टोरियल लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखना है क्योंकि जगह कम पड़ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे फैक्टोरियल्स के बगैर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी n1 फैक्टोरियल। सो आपके पास है 3 फैक्टोरियल है, इसके बाद क्रॉस 4 फैक्टोरियल, क्रॉस अगेन 4 है, तो आपके पास जो टोटल बनेगा वो फैक्टोरियल, टोटल जो अरेंजमेंट है 1, 0, 8, 1, 0, 8, 0, 0, ये आपकी टोटल परम्यूटेशन होंगे, यानी एसेसिनेशन के वर्ड को आप इतना जो टाइम्स है वो आप परम्यूट कर सकते हैं, उसको इतने वेज में अरेंजमेंट दे सकते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। सो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा, फिर भी आप लोगों को इसमें कोई क्वेरी रहता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा, और आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपने बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 7.3 का, जरूर आप लोगों ने इस चीज को सुनना है, क्योंकि वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, अगेन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल, अल्लाह हाफिज़।